हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। आज पता मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? डोमिनोज से पिज्जा। अरे मजाक कर रही हूँ यार, घर पे बनाएंगे हम डोमिनोज का पिज्जा। क्यों हम जाएं हम डोमिनोज पे, हम घर पे क्यों ना बनाएं? तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं आपको पहले देखने को मिले। फटाफट से बनाते हैं अपना वेज लोडेड पिज्जा। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ऐसे पिज्जा बेस लिए, मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं। आजकल तो आटे वाले पिज्जा भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें मैदे वाला पिज्जा लिया है। ये देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ऐसे मैंने शार्प नाफ ले लिए, यहाँ से कटिंग करेंगे। इसको टू लेयर्स में करेंगे क्योंकि हमें डबल चीज पिज्जा बनाना है। ये देखिए, नाइफ जो है हमारी शार्प होनी चाहिए। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको दो स्लाइसेस में कर लिया है, ठीक है। बहुत आराम से, नाइफ हमारी शार्प होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइड पे। इस पे हम लगाएंगे अपना पिज्जा पास्ता सॉस, चाहे आप किसी भी ब्रांड का लगा सकते हो। इस तरह से देखिए, फटाफट से स्प्रेड किया। ऐसे शार्प नाइफ लेके हमें सारा स्प्रेड करना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स बनाना। मैं आपको वो भी सिखाऊंगी पिज्जा जिसमें डो घर बनाते हैं, बट मुझे लगा कि आज थोड़ा इजी वाला सिखा दूं जो बहुत इजी है बनाना। बाजार से पिज्जा बेस लिया, सब्जियां डाली खूब सारी अपनी चॉइस के हिसाब से, और बना दिया ओटीजी में। चाहे तंदूर में बनाइए, चाहे तवे पे बनाइए, जैसे मर्जी, ठीक है। इस तरह से ये करा। हल्की सी हम लगाएंगे इसमें मेयोनीज। ये इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हम इस पे लगाएंगे चीज, तो चीज जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा। बहुत कम लगाएंगे पीस इसमें मेयोनीज, जैसे। अब इसके ऊपर फटाफट से ऐसे ग्रेटर आता है। मैंने ये अमूल का चीज लिया है फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो मैं ये बड़ी वाली साइड नहीं लूंगी, ये छोटी वाली साइड लूंगी, इसमें ग्रेट करूंगी। चाहे तो आप वो जो चीज आता है ना क्यूब्स वाला, वो भी डाल सकते हो इसमें। चीज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जितना आप चीज लाइक करते हो। ये देखिए, हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ये दूसरी लेयर रख देंगे। ये देखिए अच्छे से, अब इसके ऊपर सेम वही चीज, थोड़ी सी पिज्जा सॉस, जैसे हमने नीचे वाली लेयर पे किया है वैसे ही इसको स्प्रेड करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज बताना भूल गई, जब मैं पिज्जा बना रही थी, ये वाला पिज्जा की तैयारी कर रही हूँ, तब तक मैंने अपने तंदूर को प्री हीट करने रख दिया है। अगर आपके पास तंदूर है तो आप उसको प्री हीट करने रख दीजिए, अगर ओटीजी है तो उसको प्री हीट करने रख दीजिए। सॉस मैंने थोड़ी सी ज्यादा लगाई है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसपे हम पहले थोड़ी सी चीज डालेंगे, पहले हम इसमें नीचे लेयर में चीज डालेंगे, फिर हम सब्जियों के ऊपर डालेंगे। बहुत मजा आता है फ्रेंड्स जब पिज्जा बनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। खाने में तो अच्छा लगता है, बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर अपनी मनचाही वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये देखिए, शिमला मिर्च। इस तरह मैंने टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था, लेकिन बीज निकाल के, आप सीड्स नहीं डालेंगे फ्रेंड्स इसमें। ये देखिए मशरूम, ये मैंने इसमें प्याज डाला है। प्याज के भी फ्रेंड्स इस तरह से ऐसे वाले पीसेस करने हैं, चाहे तो आप लंबे वाले भी डाल सकते हो, लेकिन ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप ऑलिव्स भी डाल सकते हो। आज मैं आपको सिंपल वाला पिज्जा सिखा रही हूँ। ये रहे हमारे पनीर के क्यूब्स, क्योंकि मोस्टली क्या होता है घर पे हमारे पास कई बार ऑलिव्स नहीं होते, कॉर्न्स नहीं होते, तो वो तो आपके पास ऑप्शन है ही। इसके ऊपर फ्रेंड्स पहले थोड़ा सा हम मेयोनीज डालेंगे, ताकि इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास वो ट्यूब वाली मेयोनीज है वो भी आप स्प्रेड कर सकते हो, मेरे पास ट्यूब वाली नहीं थी, बस ऐसे हल्के हल्के। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा पिज्जा, अभी तो हमने इसको बेक भी नहीं किया। और ऊपर से फिर डाल देंगे हम चीज बारीक वाले से। चीज भी आप अपने हिसाब से, जितना आप कम ज्यादा लाइक करते हो। जैसे कई लोगों को बहुत चीज अच्छा नहीं लगता, वैसे तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता, बट मैं सिर्फ आपके लिए ज्यादा डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले। आप सब्जियां भी कम भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा सब्जियां पिज्जा में अच्छी नहीं लगती, आप कम भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ये देखो रेडी है हमारा बेस, अब इसको हम डायरेक्ट डालेंगे अपने तंदूर में। चाहे तो आप ओटीजी में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ओवन में भी, किसी में भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने तंदूर में इसको पहले ही प्री हीट कर लिया था, और इसको अब हम 5 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। वो आपको मालूम होगा कि आपका ओवन कितना टाइम लेता है। टेंटेडे, आ गया पिज्जा वाला, आ गया 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 पिज्जा वाला, आ गया धूम मचाने आ गया। ओह माय गॉड, डबल चीज पिज्जा, ओह माय गॉड। इस तरह से हम फ्रेंड्स ऐसे कटर आता है उससे हम काटेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओह माय गॉड,
ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल डोमिनोज जैसा डबल चीज पिज्जा हमारा। ये देखिए, ओ माय गॉड, सो टेम्पटिंग। इसको सर्व करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हो। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, अगर बच्चों को खिलाना है तो चिली फ्लेक्स नहीं डालेंगे, वैसे इसके बिना तो इसका टेस्ट ही नहीं है। बना ना बिल्कुल डोमिनोज जैसा, पिज्जा हट जैसा। तो रेडी है हमारा पिज्जा, घर पे बिल्कुल बाजार जैसा, बिल्कुल हेल्दी और साफ सुथरा। बनाना बिल्कुल बाजार जैसा, डोमिनोज जैसा पिज्जा। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को घर पे ट्राई जरूर करिएगा और मेरी रेसिपी को कैसी बनी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत बड़ी हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक खाते रहिए, हेल्दी खाते रहिए, घर का बना हुआ खाते रहिए। तो बाय फ्रेंड्स।